In this question, you have to find the largest value of the non-negative integer a for which the limit of this is 1 by 4. In this question, it is clear that if I numerator denominator ko x minus 1 se divide kardu, the question will become limit x tends to 1 minus a into x minus 1 upon x minus 1 that is 1 plus sine x minus 1 upon x minus 1. अपॉन एक्स माइनस वन दट इज वन प्लस साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन होल्ड रूट एक्स इज इक्वल टू वन बाय फोर एंड नाउ एज एक्स टर्स टू वन न्यूमिरेटर टेंड्स टू माइनस ए प्लस वन ये बन जाएगा टू होल्ड दॉर टू इक्वल टू 1 by 4 that is i get minus a plus 1 by 2 equal to plus minus 1 by 2 that is minus a plus 1 equal to plus minus 1 that is minus a equal 0 or minus a equal to minus 2 and this means either a is 0 or a equal to 2 बट वील द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू टू क्योंकि यदि मैं वैल्यू टू लेता हूं द विल बी टेंडिंग टू माइनस वन डिनोमेटर विल बी टेंडिंग टू टू हैंस द होल विल बी टेंडिंग टू माइनस वंबर टू लेकिन ध्यान रखो यह बेस माइनस नंबर टू को टेंड कर रहा है टू तो को टेंड कर रही है क्योंकि बेस माइनस नंबर टू को टेंड कर रहा है इसका मतलब हो गया बेस विल बी ऑलवेज वेरी नियर टू माइनस नंबर टू दैट इज वेन एक्स टेंड्स टू वन बेस विल बी ऑलवेज नेगेटिव और बेस नेगेटिव हो और पावर यहां पे टू को टेंड कर रही है ध्यान रखना पावर टू एग्जैक्ट नहीं है पावर टू को टेंड कर रही है तो जब पावर टू को टेंड करेगी चाहे इधर से अटेंड करे चाहे इधर से करे टू के करीब में इनफाइनेट नंबर ऑफ इेशन नंबर भी हैं और टू के करीब में इनफाइनेट नंबर ऑफ रैशनल नंबर ऐसे भी हैं जिनका न्यूमिनेटर ऑड है और डिनोमिनेटर इवन है फॉर एग्जाम्पल टू जीरो जीरो वन अपॉन दिस इज वेरी नियर टू टू और जब एक्स्यूल्यू ऐसी हो ताकि ये जो है ये बन जाएगा तो उस केस में इट विल बी अनडिफाइंड क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर ऑड अपॉन इवन में आंसर कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो इसका मतलब हो गया कि एक्स वन के करीब आएगा इन दैट केस इट इज नॉट नेसेसरीली टेंडिंग टू वन बाय फोर इन दैट केस एट मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स इट विल बी अनडिफाइंड देयरफॉर अनडिफाइंडोर इक्वल टू विल बी रिजेक्टेड बट फॉर इक्वल जीरो इट विल बी टेंडिंग टू वन बाई टू और ये 1 बाय टू को टेन करेगी और पावर 2 को टेन करेगा तो आंसर बी श्योरली टेंडिंग टू 1 बाय फोर दे फोर ए को जीरो इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए भी जीरो है और स्मालेस्ट वैल्यू ऑफ ए भी जीरो है लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर ए हेंस द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर ए इज जीरो